IMD अलर्ट, 1 फरवरी तक 13 राज्यों में भारी बारिश, राजस्थान सहित 4 में ओलावृष्टि, 31 जनवरी को बनेगा डिप्रेशन, यहां बड़ा तापमान, जाने दिल्ली अब बिहार पर पूर्वानुमान। मौसम से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 5 दिन यूपी में बारिश, 28 जनवरी से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर प्रदेश में 5 दिन तक बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है और 35 से 40 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पूरी उत्तर प्रदेश में 2 दिन तक बारिश से मौसम अस्त व्यस्त रहेगा। 31 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि और तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात सहित उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में भूस्खलन से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी मौसम में भारी बदलाव दिखेंगे। आंधी सहित गरज चमक की चेतावनी जारी की गई है पर्वतीय राज्यों में बर्फबारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 28 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था। इसके साथ ही यह कम दबाव का क्षेत्र मध्य सागर के ऊपर निर्मित हुआ है, जिसमें नमी इकट्ठा हो रही है। वहीं विशेष प्रणाली के प्रभाव के कारण सोमवार को पश्चिमी इलाके में व्यापक बारिश के साथ बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। दिल्ली में गरज चमक के साथ बारिश, दिल्ली NCR में मौसम ने करवट ली है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा सहित नई दिल्ली के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली है। नोएडा में तेज हवाएं चल रही है। नजफगढ़, द्वारका, पालम, सफदरगंज, लोधी रोड सहित वसंत कुंज और कई इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, साथ ही बारिश की गतिविधियों में भी वृद्धि देखी जाएगी। 31 जनवरी तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान जताया गया है। तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक हवाओं की दिशा बदल रही है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण न्यूनतम तापमान में कमी देखी जाएगी। अगले 48 घंटे की अवधि के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी और बारिश देखने को मिलेगी। 64.5 मिलीमीटर से 115.5 मिलीमीटर तक की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। बारिश और हिमपात के अलावा सप्ताह के अंत में हिमाचल और रविवार और सोमवार को उत्तराखंड में ओलावृष्टि की भी भविष्यवाणी की गई है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए इन दोनों राज्यों में चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल के 7 जिलों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। कुल्लू के अलावा किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और शिमला की ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना जताते हुए इन क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भूस्खलन अधिक संभावना जताई गई है। साथ ही चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, लाहौल स्पीति और किन्नौर के कई भागों में भारी बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। एक नवीन सिस्टम के सक्रिय होने के साथ ही दिल्ली NCR में तेज हवा चल रही है। दिल्ली के जाफराबाद सहित कई इलाकों में आज बारिश की चेतावनी जारी की गई। इसके साथ ही आंधी और चमक की चेतावनी का अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, आज राजस्थान के अलावा गुजरात के कई हिस्से, मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में गरज चमक, बिजली गिरने की संभावना सहित बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। साथ ही पर्वतीय राज्यों में भी बर्फबारी और बारिश जारी रहेगी। हिमाचल, उत्तराखंड में आज निचले इलाकों में जहां बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।